friends, now today's new topic, that is a fundamental unit of life, class 9, second part. Now previous part I have already explained about it, Robert Hood. Robert Hood ने कैसे मंदिर होते हैं छत्ता का example लेके plus पेड़ की छाल का example लेके हमने explain किया था. जैसे कि मंदिर के छत्ते में हम देखा एक एक जो बनी होते हैं उनके एक एक compartments, वो लगता है जैसे कि कमरे के समान है and that compartment is called cell. Clear? Now look at here cell wall. The plant cell in addition to the plasma membrane have a rigid covering called cell wall. तो हम प्लांट्स को देखते हैं जो बाहर से बॉडी है पूरी कवर होती है सेल वॉल एंड इट इज वेरी द सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. आपको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है पेड़ को जो इसलिए स्टैंड होते हैं. नाउ व्हेन अ प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस फर्स्ट पार्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में आप देखते हो कि जो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में पड़ना वो आपको ऑस्मोसिस से आता है. तो अगर हम इसमें पानी की मात्रा कम कर दें तो क्या होगा, देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसमें एकदम श्रिंक हो जाएंगे. जैसे कि मैं आपको सीड्स का ग्रेन्स का एग्जांपल एप्रिकॉट का एग्जांपल पार्ट फर्स्ट में बताया था. क्लियर? एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ये आपको क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइसिस. नाउ आप लैब में जाइए, वहां पे चिक सेल या फिर ऑनियन सेल लीजिए और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए साइड से. तो आप थोड़ा सा पार्ट लेंगे ऑनियन सेल्स का पीस का निकाल के, प्लस उसमें आप थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे. अगर आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करोगे तो पूरा डार्क डार्क कलर हो जाएगा जो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा. तो बेटर है आप सेफ्रिन 1-2 ड्रॉप्स या फिर मिथाइल ऑरेंज प्लस ग्लिसरीन भी हल्का सा ड्रॉप लेंगे आप, तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप में आपको क्लियर दिखाई देगा. क्लियर? एंड उसमें आप देखोगे तो सेल्स ऑफ ऑनियन भी लुक्स लाइक दिस, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा. क्लियर? न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका डबल लेयर कवरिंग होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म. आपके छोटे छोटे स्मॉल पोर्स आ गए एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म. मटेरियल्स आपके फूड मटेरियल्स हो गए, गैसेस हो गए, वो ट्रांसफर होते हैं. क्लियर? द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच आर यूजेबल एज रॉड शेप्स. तो आप देखते जो न्यूक्लियस है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर कवरिंग बॉडी न्यूक्लियर एंड दिस इज राइबोसोम्स एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर क्रोमेटिन, दैट इज क्रोमोसोम्स. क्लियर? नाउ कंटेन इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो आप देखते हो जो पेरेंट्स वगैरह हमारे दादा परदादा जी हैं, पेरेंट्स हैं आपके पोते वगैरह उनके बच्चे हैं, आप देखते हो तो उनके जो नोज है आईज है हम कहते हैं दादाजी जैसे दिख रहा है, ताऊजी जैसे बच्चे में हिस्सा है. तो क्या होता है जो उनके कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स टू पेरेंट ग्रैंड सन्स ऑफ बच्चों में ट्रांसफर होते हैं. क्लियर? एंड डीएनए द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? मीन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ग्रैंड सन्स. नाउ नेसेसरी फॉर क्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. आप देखो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, दैट इज अ क्रोमोसोम्स. And these thread-like chromatin material get organized into chromosomes. These are called chromosomes. These thread-like structures are called the chromosome. And they are responsible for transfer of genetic material from grandparents to the parents and their grandsons. ठीक है? तो आप देखते हो जो भी वंशावल जो भी चीजें हैं वो grandparents से बच्चों तक में transfer होती है. जैसे eyes, nose, आँखें आप देखो कि आपके दादाजी पे गई हैं, उनपे गई हैं, दादी पे गई हैं, गुस्सा हमारा उनपे भी है, आँख eyes, nose वो उनके जैसा दिखता है. फॉर्मेशन हो जाती है. क्लियर? और अगर हम डीप में पढ़े कुछ सेल्स है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कुछ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो उनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रो मींस प्रिमिटिव प्राइमरी, एकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस. हियर आल्सो यूकैरियोटिक दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. नाउ व्हाट हैपेंस, साइज इज 1-10 माइक्रो एंड हियर साइज इज 5-100 माइक्रो. न्यूक्लियर रीजन प्योरली डेफिनेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है. एंड न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहां पे आपका वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, गोली एपरेटस हो गया, आपका लाइसोसोम्स हो गया, मैटर, ये सब यहाँ पर एब्सेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे आपका प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड्स यू नो, प्लास्टिड्स आल्सो कंटेन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट भी क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, एंड क्लोरोफिल इज यू नो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड इन द प्लांट्स विद द हेल्प इन द लीव्स. द क्लोरोफिल मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड सनलाइट, क्योंकि सूरज की रोशनी से, पानी से, उन सबसे, मिट्टी से मिलकर बनाता है खाना एंड प्रोवाइड ग्लूकोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और उनको शक्ति प्रदान करता है. नाउ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोली एपरेटस आर प्रेजेंट, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दैट इज इन यूकैरियोटिक सेल. नाउ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल दिस. नॉन यूकैरियोटिक सेल में आप देखो प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया और एनिमिया हो गया. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट. नाउ नेक्स्ट वन साइटोप्लाज्म. सबसे पहले हम प्लांट सेल देख लेते हैं. हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में आपको एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया था एंड आई शोन ऑल द थिंग्स. नाउ लुक एट हियर प्लांट सेल. प्लांट सेल में आप देखिए दीज आर द डाउन स्लिप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम्स. ये आपका लाइसोसोम्स हो गया. हियर क्लोरोप्लास्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स, दैट इज इट कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट एंड इट इज हेल्प इन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स एंड provide glucose to all parts of the plant. Nucleus हो गया आपका ये, that is Golgi. Stack-like structure देखो ना आप लोग बेटा, that is Golgi apparatus, that is nuclear envelope. Here ribosomes, that is mitochondria, and it is cytoplasm, SER, smooth endoplasmic reticulum here, and here also rough endoplasmic reticulum. ये भी आपका ये करी है. Now look at here cytoplasm. The liquid present in the cell, that is cytoplasm. Temporary mounds of onion, pea, S cell, S human chick cell enclosed by cell membrane. जैसा कि मैंने आपको onion, pea का बताया example और chick cell का बताया, हमने under the microscope में देखा तो structure आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है. The reason takes a very little stain. हमने सिर्फ एक दो drop की saffron का डाला और हमने observe किया microscope के अंदर, हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. क्लियर, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो ये आपका कहलाएगा साइटोप्लाज्म, ये आपका कहलाएगा साइटोप्लाज्म. क्लियर, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. क्लियर. नाउ एग्जांपल, वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंडर दे अंडर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू ग्रो. वायरस के अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता एंड इट डिपेंड्स अपॉन अदर लाइफ. ये दूसरे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहीं से अपना एक जीवन स्टार्ट करते हैं, मतलब एक डिवाइड होना. हियर नाउ दिस इज अबाउट नाउ सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स में आप देख रहे हो, मैंने बताया था आपको, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. तो अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.